उत्तराखंड सिंपली हेवन। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया समेत कई पश्चिमी देशों का दौरा कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जल्द ही इजराइल और मुस्लिम देशों की यात्रा पर भी जाएंगे। आपको बता दें कि मोदी इजराइल जाने वाले पहले देशीय प्रधानमंत्री होंगे और इससे पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी इजराइल का दौरा कर चुके हैं और पिछले कुछ सालों में भारत और इजराइल के बीच काफी करीबियां देखी गई हैं। खासतौर से रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों में संबंध काफी मजबूत हुए। वहीं सऊदी अरब की यात्रा के साथ मोदी मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत बनाएंगे, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि मोदी का यह कदम भारत की विदेश नीति पर क्या कुछ असर डालेगा, क्या बदलाव लाएगा। आज हम अपने खास कार्यक्रम वंदे मातरम में इसी पर चर्चा करेंगे और इस खास चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ेंगे दिनेश दुबे जी, इसके अलावा आलोक शर्मा भी है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, और हर एक पहलू को जानने की हम कोशिश करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी जी से, और इस यात्रा के मायने क्या है उसको समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे रेसिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। तो चलिए करते हैं आप सभी के साथ वंदे मातरम की शुरुआत। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल की आखिर में इजराइल का दौरा करेंगे। ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। वहीं दूसरी तरफ मोदी सऊदी अरब का भी दौरा कर सकते हैं, जिसके साथ ही मोदी मुस्लिम देशों के साथ रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। अमेरिका, चीन और यूरोपियन देशों के बाद इजराइल जाएंगे मोदी। मुस्लिम देशों का भी दौरा करेंगे मोदी। पहले भी इजराइल जा चुके हैं मोदी। इजराइल के साथ भारत के हैं पुराने रिश्ते। आडवाणी, पूर्व विदेश मंत्री एम एस कृष्णा और राजनाथ सिंह भी कर चुके हैं इजराइल का दौरा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे पश्चिमी देशों के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्तों की नई इबारत लिखने की तैयारी में हैं। पीएमओ के अनुसार इस साल के अंत तक प्रधानमंत्री इजराइल के अलावा सऊदी अरब की यात्रा भी जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सऊदी सरकार मोदी की मेहमान नवाजी के लिए खासा उत्सुक है। ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित यात्रा से पहले मोदी सऊदी के शासक से मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद यमन संकट के दौरान दोनों की फोन पर सीधी बातचीत भी हो चुकी है। इसके अलावा मोदी इस साल के आखिरी में इजराइल का दौरा भी करेंगे। ऐसे करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। मोदी पाकिस्तान और जॉर्डन भी जाएंगे। मोदी की इस यात्रा से यहूदी देश के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ेगा। आपको बता दें कि भारत ने इजराइल के साथ 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और साल 2003 में इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने भारत का दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में भारत की छवि को बदलने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुकेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि पिछले अगर हम एक साल में देखें तो नरेंद्र मोदी ने लगभग 18 देशों का दौरा किया है और ये कहा जा रहा है कि अब दूसरे फेज में नरेंद्र मोदी उन देशों को फोकस कर रहे हैं जिनसे मजबूत संबंध स्थापित करने से भारत में मजबूती आएगी। अगर हम इस कड़ी में इजराइल की बात करें तो किस तरह से भारत और इजराइल के संबंध में मजबूती आएगी इस यात्रा के बाद? देखिए, भारत और इजराइल के संबंध काफी पुराने हैं और काफी मजबूत हैं। आपको याद होगा भारत चीन जो वार हुआ था उस 65 के वार की बात करें, अगर 71 में जो पाकिस्तान के साथ जो आपकी लड़ाई हुई थी उसकी बात करें, कारगिल युद्ध की बात करें, तो उस दौरान ये तीनों जो मेजर
युद्ध हुए हैं उसमें इसराइल कहीं ना कहीं भारत के सहयोगी के रूप में खड़ा रहा है हमेशा, और भारत भी जो हमारे सामरिक संबंध है उनसे वो काफी मजबूत है, हमारा व्यापार भी होता रहा है। और आज के दौर में जब हम लोगों ने WTO साइन किया हुआ है दोनों आदमी ने, तो फिर ऐसे दौर में आज जो देश का माहौल है और विश्व का जो माहौल है, वैसे में किसी भी एक देश को आप छोड़ के या काट करके रिश्ते नहीं बना सकते, इसलिए इसराइल से संबंध हमारे पुराने हैं और उसको मजबूत करने की दिशा में अगर मोदी वहां जाते हैं और उसके बाद साथ के जो मुस्लिम कंट्री हैं वहां भी जो दौरा करते हैं मोदी, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में जो करवाहट या रिश्तों में जो शिथिलता थी इतने दिनों से, उसमें कहीं ना कहीं जो एक नया चैप्टर जो है वो चैप्टर जुड़ेगा और इससे विदेश नीति जो है काफी मजबूत होगी। और मेरे ख्याल से जो व्यापारिक रिश्ते की शुरुआत करी है मोदी सरकार ने जो इस्लामिक कंट्री है उनके साथ, खाड़ी के जो देश है उनके साथ, मुझे लग रहा है कि इस दौरे से वो काफी मजबूत होगा और व्यापारिक संबंध जो है और भी ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर व्यापारिक संबंधों को ज्यादा जोर दिया जाएगा इस यात्रा के दौरान। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे मैं ये जानना चाहूंगी। सर, अगर मैं आपसे पूछूं, आप इस यात्रा को किस लिहाज से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण साबित होगा भारत की विदेश नीति के लिए यात्रा? देखिए, जो मोदी साहब इसराइल की यात्रा करेंगे, पहले प्रधानमंत्री होंगे, हमें जैसे अभी हमें अवगत कराया गया, भारत के रिश्ते इसराइल के साथ सदैव अच्छे थे, चाहे डायरेक्ट कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप स्थापित नहीं हुई थी उससे पहले भी, मोरारजी देसाई साहब के जमाने से भी उस समय हमारे जो झुकाव था वो इसराइल की तरफ था, इसराइल का हमारी तरफ था। पर बात सारी ये है, हम इसराइल से बहुत अधिक मात्रा में डिफेंस का सामान ले रहे हैं। इसराइल ने हमेशा हमारा साथ दिया है, चाहे UAV की टेक्नोलॉजी हो, चाहे मिसाइल की टेक्नोलॉजी हो, चाहे एयरक्राफ्ट को मॉडिफिकेशन की टेक्नोलॉजी हो, इस सब में इसराइल ने हमारा साथ दिया है और इसराइल हमें पूरी टेक्नोलॉजी देता है। यहां तक कि कई बार अमेरिका नाराज भी हो गया इसराइल से कि आप इतनी टेक्नोलॉजी क्यों दे रहे हैं हमारी, इसके बावजूद इसराइल हमारे साथ में रहा है। तो हमारा जो ये संबंध इसराइल के साथ बन रहा है, तो लाजमी है कि भारत के प्रधानमंत्री उसको एक ऑफिशियल छाप देंगे और वहां जाके देश की नीति को और सुदृढ़ बनाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ इसराइल में नहीं गए, 18 देश है जैसे आपने वर्णन किया गए हैं, और जगह जाएंगे, क्योंकि जब तक अपना स्थान हिंदुस्तान जो कि अब एक सुपर पावर की तरफ अग्रसर हो रहा है अब ढंग से नहीं बना लेता, तब तक बात जमेगी नहीं। और इसीलिए हर एक कंट्री के साथ रिलेशनशिप कायम कर रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, बांग्लादेश हो, अभी तक पिछले महीने तक ये बोल रहे थे कि चीन का वहां आधिपत्य जम रहा है और एक हमारे को पर्ल नेकलेस से जकड़ रहा है। वो बात अब नहीं रही, वो बिल्कुल चेंज हो रही है, इस पे चीन भी खफा है। पर मोदी साहब की जो ये नीति है, ये नीति बहुत ही विश्वास पैदा करने वाली नीति है और बहुत ही सुदृढ़ नीति है। बख्शी साहब, एक सवाल और यहाँ पे उठता है कि इससे पहले भी भारत के संबंध इसराइल से काफी अच्छे रहे, जैसा कि आपने भी बताया, और इतिहास उदाहरण है इस बात का, लेकिन एक इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष जो है वो कभी इसराइल के दौरे पे नहीं गया है। मोदी पहले प्रधानमंत्री है जो इसराइल के दौरे पे जा रहे हैं, संबंध हमारे पहले भी थे और अभी भी हैं, क्या हमारे प्रधानमंत्री जो जा रहे हैं इसके पीछे कोई विदेश नीति की नई स्ट्रैटेजी हो सकती है कि ये जो संबंध बनेगा, जो प्रधानमंत्री के स्तर पे बनेगा, उससे कुछ ज्यादा फायदा होगा, या जो दूसरे आसपास के जो कंट्री है उसके साथ जो हमारे संबंध है, जैसा कि विपक्ष भी हमला कर रहा है मोदी सरकार पे कि जो दूसरे हमारे मित्र देश हैं उनके आसपास, उसके संबंधों में कुछ करवाहट आएगी, क्या ये सही लगता है आपको कि इस समय में जबकि दूसरे इस्लामिक कंट्री में, खाड़ी देश में आपको संबंध बनाने हैं जहां से आपका सीधा तेल का व्यापार होता है और काफी ज्यादा संख्या में आप डिपेंडेंट है, काफी बड़ी संख्या में आप डिपेंडेंट है खाड़ी के देशों से, तो ऐसे समय में इसराइल की यात्रा करना विदेश नीति के ख्याल से या लिहाज से कोई अच्छा कदम नहीं होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जताना चाहते हैं कि हमारे संबंध हर एक देश के साथ में अपने एंगल से सही ढंग से रखे जाएंगे, चाहे इस्लामिक कंट्री हो, चाहे इसराइल हो, चाहे और कोई कंट्री हो, चाहे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे जो संबंध है इसराइल के साथ में, पहले जो थे वो इसराइल की तरफ से बढ़ावा आ रहा था क्योंकि इसराइल हमें हथियार बेचना चाहता था,
अब बात वो नहीं रहेगी, अब एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात होगी। और जब तक प्रधानमंत्री वहां कदम नहीं रखेंगे, चीज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, चीज को एक बढ़ावा नहीं मिलता, उस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री का वहां जाना। बाकी प्रधानमंत्री वहां नहीं गए क्योंकि उनको पता था कि हम और कुछ कर नहीं सकते और इसराइल को हमारी पैसे की जरूरत होती थी, वो सामान बेचना चाहते थे, रुक जाते थे। आपको पता है जब 1998 के बाद जब हमने एक्सप्लोजन किया था न्यूक्लियर, उसके बाद अमेरिका ने इसराइल को रोक दिया था, उसका हाथ पकड़ लिए थे। अब जब हमारा इसराइल के साथ में संबंध स्थापित होगा, फिर वो अमेरिका भी नहीं कर पाएगा इस बात को। जी, जी, और रही बात बाकी इस्लामिक देश की, आप देखेंगे हर एक कंट्री के साथ में मोदी साहब कुछ ना कुछ अपना संबंध बढ़ाएंगे। और जैसे ऑयल की बात हो रही है, आप देखेंगे उनको भी हमारे से फायदा होगा, कुछ हम अपनी तरफ से उनको देंगे। अब हिंदुस्तान 15 साल पुराना, 20 साल पुराना वो भारत नहीं है। जी जी, तो विदेश नीति की एक नई इबारत लिखने जा रही है। मैं सबसे पहले रुक करना चाहूंगी आलोक शर्मा जी का। आलोक जी, अगर देखा जाए यहाँ पर प्रफुल्ल बख्शी जी ने भी ये कहा है कि विश्वास पैदा करने वाली एक नीति है, तो ऐसे में विपक्ष को क्या क्यों गुरेज है इससे, क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा है? नहीं, सबसे पहले तो मैं यही चीज क्लियर करना चाहूंगा कि विपक्ष को प्रधानमंत्री महोदय के किसी भी विदेश दौरे से कोई परहेज नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि विदेश दौरा जो है वो विदेश नीति के लिए हो, प्रोपेगेंडा के लिए और प्रचार के लिए ना हो, मोदी मोदी के नारों के लिए ना हो। अभी तक आप देखिए जो 56 इंच का सीना था और शाल और साड़ी की डिप्लोमेसी से अगर शुरू करें तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर 1000 से ज्यादा बार सीज फायर का वायलेशन हुआ है। नेपाल में आपने वहां की मदद करने की बजाय उसको इंटरनेशनल जगत में आलोक शर्मा जी, अभी हमारी बातचीत का एजेंडा कुछ और है, हम इसराइल की बात कर रहे हैं, मुस्लिम देश में जो विजिट करने जा रहे हैं मोदी उस पर बात कर रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा हूं, विदेश नीति की बात जो चल रही है पूरी तरह से। देखिए, गल्फ कंट्रीज जो है हमेशा से ही विदेश नीति के पैमाने पर हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम रहा है, विदेश नीति में हमेशा उसका एक अलग स्थान रहा है और उसके 3-4 महत्व रहे हैं। सबसे पहला तो गल्फ कंट्रीज से, क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं तो उनसे सबसे संबंध अच्छे रहे और बुरे हालात में भी हमारी उस तरह की कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, आईएसआईएस का जिस तरह से वहां पर आतंक का एक जो जाल फैल गया है पूरे गल्फ कंट्रीज के अंदर, उसको देखते हुए आज किस तरह के रिलेशंस हमारे किस देश के साथ रहे। जैसे अभी आ रहा था कि इराक के अंदर और सीरिया के अंदर हमारे लोग फंसे हुए थे, उनको निकालना है, तमाम किस तरह की हम संधियां करते हैं, वैसे तो मैक्सिमम संधियां इन देशों के साथ यूपीए के समय में हो चुकी हैं। तीसरा, पाकिस्तान हमारे और गल्फ कंट्रीज के बीच में बैठा हुआ है, तो साउथ एशिया की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप इसराइल भी जा रहे हैं, लेकिन आप इसराइल के साथ कौन से समझौते करते हैं, आप क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास में ही बैठा हुआ देश फिलिस्तीन भी हमारा जो है पड़ोसी मित्र रहा है, हमारा मित्र रहा है, मित्र देश रहा है वो हमारा, तो उसके संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम सऊदी अरबिया अगर जाते हैं तो पड़ोस के देशों के ऊपर क्या संबंध पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जी, जी। जापान और चाइना का विजिट हुआ और दोनों पे फिलिस्तीन का नाम ले गया, लेकिन उसके बाद रिजल्ट ये रहा कि एफडीआई ना जापान ने दिया ना चाइना ने दिया। तो कहीं इमेच्योरिटी ना हो, कहीं केवल अपनी स्वस्तुति ना हो, केवल अपनी पीठ थपथपाने की बात ना हो। एक्शन हुआ, बख्शी साहब हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी बख्शी साहब पूछिए। जरूर। नहीं, मैं आलोक साहब से पूछना नहीं चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये कोई सीना छाती ठोकने के लिए नहीं जा रहे और ना ही उनका ये काम है और ना ही उन्होंने कभी ऐसी बात करते हैं। ये तो ऑपोजिशन का स्टेटमेंट है। मोदी साहब के जाने से आप देखेंगे इस्लामिक कंट्रीज भी वो इस बात को समझ जाएंगे कि हमारे बीच में और इसराइल और पैलेस्टीन के बीच बिछाव करने के लिए मोदी साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बनेंगे। मोदी साहब ने यह कह भी दिया है कि मैं इस पैलेस्टीन से सहानुभूति रखता हूं और जितना हो सकेगा मैं उनके मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करूंगा जहां तक मेरी ताकत है। ये मोदी साहब खुद कह चुके हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी साहब के जाने से आप देखेंगे दोनों उस एरिया की में आग में थोड़ी बुझाट आएगी, थोड़ी गर्मी कम होगी, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मतलब आपके कहने का मतलब है जो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संबंध खराब है उसमें मध्यस्थता की भूमिका भारत निभा सकता है, इस विजिट के बाद से एक पॉजिटिव संदेश जाएगा, शायद उन दोनों के बीच में रिश्ते भी सुधरें। बिल्कुल,
दिनेश दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, कहीं ना कहीं 1992 से लेकर अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गया है, यानी कि एक और ऐतिहासिक यात्रा नरेंद्र मोदी की झोली में जाने वाली है। मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे, उसी समय संदेश दिए दिए थे पूरे विश्व को कि हम एशिया के देशों के साथ संबंध अच्छे रखना चाहते हैं। उसी संबंधों के तहत नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे विश्व में जाकर मेक इंडिया का प्रचार किया और मेक इंडिया का प्रचार करके पूरे विश्व के देशों को बताने का प्रयास किया कि विकास में हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ आइए और यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ प्रोडक्ट लगाइए और प्रोडक्ट लगा के मार्केट का निवेश करिए। इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी गए थे। ये जी से मैं कहना चाहता हूँ कि खिसियानी बुल्लू चुहान होता है दिनेश जी, लेकिन जितने मोदी जी के नारे से गला लगाई है दिनेश जी, ठीक है, यह इजराइल जाने से इनको कष्ट हो रहा है। इजराइल जाने से हमको टेक्नोलॉजी मिलेगी, हमको रक्षा क्षेत्र में हमको जानकारी मिलेगी, हमको अर्थशास्त्र का ज्ञान मिलेगा, हमारी रक्षा नीति मजबूत होगी। इसलिए ये खिसिया रहे, ये जलन कर रहे हैं, मोदी से जल रहे हैं, मोदी जी के नारों से परेशान है। जी जी प्रतिभा से दिनेश जी क्रांति से इनको कष्ट हो रहा है दिनेश जी, लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि इस यात्रा के बाद में इस तरह की बातें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर वहां का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा से ही संघ इसराइल से प्रभावित रहा है, वहां की जो स्ट्रेटेजी है, जिस तरह से वो देश हित में काम करता है और जिस तरह से उन्होंने इतने चुनौतियों के बाद में भी खुद को एस्टेब्लिश किया है, तो उससे हमेशा से ही संघ इससे प्रभावित रहा है। और क्यों फिर ऐसा ना माना जाए कि नरेंद्र मोदी भी संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर ही वहां पर जा रहे हैं। मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी 125 करोड़ के चौकीदार हैं, उनके प्रधान सेवक हैं, वो उनके विकास के लिए, उनके हित के लिए, उनके रक्षा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए और भारत के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए चाहे गिराई जा रहा हो चाहे असेंडिया जा रहा हो जाएंगे और संबंध अपने स्थापित करेंगे और संबंध बनाकर भारत का मान सम्मान कैसे बढ़ाए इसके लिए काम करेंगे, इसीलिए प्रधानमंत्री बने। इसका जवाब मैं आलोक जी से लेना चाहूंगी। आलोक जी, क्यों ना हम इस यात्रा को संघ की विचारधारा से प्रेरित माने? देखिए, मैं समझता हूँ पूरी सरकार ही संघ की विचारधारा से चल रही है, लेकिन जो जुमले आप लोगों ने छोड़े थे उनका क्या हुआ, उस पर भी थोड़ा सा विचार कर लिया जाए। जिस तरह के वक्तव्य आपने दिए थे मर जवान मर किसान से लेकर आज तक, उन पर क्या क्या हुआ है उस पर भी विचार कर लीजिए। आप केवल टीवी चैनल्स पर आकर अपना बीपी बढ़ाएं, उससे कुछ नहीं होगा। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, क्या इसराइल से पहले संबंध हमारे अच्छे नहीं रहे? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और तमाम जो बॉर्डर के इक्विपमेंट्स हैं, सर्विलेंस इक्विपमेंट्स हैं, क्या इसराइल से हम पिछले देशों वर्षों में नहीं खरीदते चले आ रहे हैं? विरोध कर रहा है, कांग्रेस विरोध कर रही है? नहीं, किसने विरोध किया है? किसने कहा कि विरोध कर रहे कांग्रेस पार्टी? आप मीडिया चैनल्स का एजेंडा हो गया कि कांग्रेस विरोध कर रही। अरे कांग्रेस केवल ये कह रही है कि आप प्रोपेगेंडा मत कीजिए, आप ट्विटर का खेल मत कीजिए डिफेंस जैसे मैटर्स पर, आप आर्मी को कटघरे में मत खड़ा कीजिए, जो यूपीए सरकार ने एग्रीमेंट किए हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। प्रफुल्ल जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, वो हम आपको सुनना। देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इतनी गर्मी की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज है, मोदी साहब वहां जा रहे हैं, उनके जाने से हमारी नीति में और सुदृढ़ता आएगी और ताकत आएगी। ये किसी की बुराई नहीं करने जा रहे और ये किसी संघ से प्रभावित होकर या किसी देखकर नहीं जा रहे। आपको ये ख्याल ही बिल्कुल गलत है। अगर इसराइल के साथ हमारी डिफेंस रिलेशंस इस्टैब्लिश हुई थी, उसको आगे बढ़ाना है, हमको अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। जब तक हम उनकी टेक्नोलॉजी लेकर डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम सिर्फ मानते ही रह जाएंगे। अब तक कब तक ये बात चलेगी? इसलिए हम इसराइल के साथ चीज बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं भारत और इसराइल के रिश्तों की, क्योंकि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल की यात्रा पर जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले शिवसेना से सांसद संजय राउत से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अमित दुबे। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत हमारे साथ हैं। सर, पहली बार कोई प्रधानमंत्री जो है वो इसराइल की यात्रा पे जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? अच्छी बात है, उससे पहले भी जाना चाहिए था। इसराइल एक ऐसा देश है, छोटा देश है, लेकिन पूरे विश्व में उनकी जो ताकत बनी है, एक तो टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए जो यंत्रणा खड़ी की है, उससे हमको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान इसराइल का रहा है, वो टेक्नोलॉजी क्या है, वहाँ के किसान क्या करते हैं, हमारे यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं,
हमारी खेती संकट पे है, तो बहुत सी बातें प्रधानमंत्री जब जाएंगे उनके साथ जो डेलीगेशन होगा, तो टेररिज्म हो, कृषि क्षेत्र हो, औद्योगिक या आर्थिक विकास की बात हो, एक ऐसा देश है कि इसराइल जहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी तक सर किसी भी प्रधानमंत्री ने इसराइल को प्राथमिकता नहीं दी है, क्योंकि हमारी जो विदेश नीति है वो किसी और एजेंडे पे। आप क्या लगता है कि मोदी जी क्या मुस्लिम कंट्रीज जो है वहाँ पे पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या विदेश नीति को एक नया आयाम देने की कोशिश? मुझे लगता है कि ये मोदी जी के साथ हिंदुस्तान की एक नई विदेश नीति बन रही है और मजबूत बन रही है। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, इसलिए हम हमारे पूरे निर्णय बदल लेंगे, इसमें मोदी नहीं बैठ रहे। मोदी की एक खुद की ताकत है, खुद का व्यक्तित्व है, खुद की सोच है, और मोदी जी की सोच यही देश की सोच बन सकती है। तो ये संजय रावत जी थे जो कि कह रहे थे कि सपोर्ट कर रहे थे, और साथ में यह भी कह रहे थे कि इससे पहले भी जो है यात्रा होनी चाहिए थी प्रधानमंत्री की। प्रफुल्ल साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि विदेश नीति का मामला ऐसा होता है कि एक तरफ आप ये लगातार संबंधों में सुधार होते रहते हैं, लगातार संबंध बनते हैं, विदेश नीति कोई ऐसी एक बार ऐसा नहीं जो बना के रख दिया और उसी को फॉलो कर रहे हैं संविधान की तरह। संविधान में भी हालांकि हमें चेंज करना पड़ता है चलाने के लिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आज ये डिसीजन हुआ है प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से कि इसराइल में प्रधानमंत्री स्तर की यात्रा हो, प्रधानमंत्री भी जाकर के संबंध बनाए वहां इसराइल के साथ, क्या आपको लगता है कि यदि इससे पहले के प्रधानमंत्री अगर जाते तो जो संबंध है और प्रगाढ़ होते और उससे दोनों देशों को कुछ ज्यादा फायदा मिलता? बिल्कुल, अगर पहले प्रधानमंत्री वहां जाते हमारे तो और उनके साथ में संबंध बनाते तो हिंदुस्तान की स्थिति और कुछ होती। हम 62 में इसराइल की बात करते थे और हम उस बात में शर्माते रह गए, और आप देखिए हमारी जो हालत जो उस समय हुई वो आप इतनी दयनीय थी। देखिए बात सारी की सारी जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो डिफेंस की बात आती है। आपकी फॉरेन पॉलिसी तब तगड़ी होगी जब आपकी डिफेंस तगड़ी होगी। आपकी फॉरेन पॉलिसी एक बिल्ली की आवाज बन जाएगी जब आप सीखची पहलवान रह जाएंगे। तो जब तक आप ताकतवर नहीं है आपकी फॉरेन पॉलिसी ताकतवर नहीं होगी। डिफेंस की जो मेन टेक्नोलॉजी है बख्शी साहब, वो डिफेंस की टेक्नोलॉजी के लिए हम ज्यादा डिपेंडेंट है इसराइल की तरफ से, इसराइल पे ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी टेक्नोलॉजी को लेकर। बिल्कुल, क्या हमारे देश की ये कमी, हम आलोक साहब से भी पूछे कि अपने देश में क्या इस तरीके इसराइल की इतनी छोटी कंट्री है, इतना छोटा देश है और वहां इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है जिसके लिए हम कायल हैं, हम मजबूर हैं जो कि हम इसराइल के साथ संबंध बना के रखें अगर हमें डिफेंस में कुछ अपने आप को अपडेट करना है। तो क्या हमारे देश में जो मेड इन इंडिया का जो कैंपेन किया है, क्या इसमें भी इसराइल कुछ मदद कर सकता है? बिल्कुल करेगा। आपको मैं आपको पहली बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, और बिल्कुल बात वो है हमारी पास में कुछ भी हैपनी टेक्नोलॉजी नहीं है। आज की तारीख में हिंदुस्तान एक राइफल नहीं बनाता इन्फेंट्री के लिए, एक टैंक नहीं बनाता, एक गन नहीं बनाता मेन, उसका बारूद नहीं बनता, कोई एयरक्राफ्ट नहीं बनता, उसका बारूद नहीं बनता, उसकी मिसाइल नहीं बनती, क्या बनता है? आपने इतनी बड़ी फौज खड़ी कर रखी है सिर्फ 1.5 हफ्ते की लड़ाई के लिए, उसके बाद में आपकी जो लड़ने की शक्ति है आपके घुटने कांप जाएंगे। ये आपको मैं अभी बता दूं, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये जो टेक्नोलॉजी यहां से अभी तक आती रही आंख बंद करके हम लेते रहे, अब उसको हिंदुस्तान अपने ही पिछावड़े में लेके आएगा, खुद ही इंडस्ट्री में बनेगी। अभी तक हम कुछ नहीं बनाते, ये आपको बताने में मैं पहला आदमी नहीं है जो आपको बता रहा, पर मैं सालों से बोल रहा हूं कि जब तक हम इस बात में ताकतवर नहीं बनेंगे हम कहीं भी खड़े होने लायक नहीं है। आलोक जी से इसका जवाब लेना चाहेंगे, आखिरकार क्यों भारत इतना सक्षम नहीं है, पिछले 10 सालों से आपकी सरकार थी? देखिए, अपने देश को और अपनी आर्मी को डिमोरलाइज करने के लिए इससे बेहतर कोई वक्तव्य नहीं हो सकता था। जो मेरे मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा है उनको शायद अल्प ज्ञान है, हमारे यहाँ पर सब कुछ बनता है, टैंक भी बनता है हमारे यहाँ पर, राइफल भी बनती है हमारे यहाँ पर, क्रायोजेनिक भी बनता है हमारे यहाँ पर, मिसाइल भी बनती है और सभी कुछ बनता है। कहाँ बनता है बता दीजिए, प्रफुल्ल साहब राइफल फेल हो गई है, हिंदुस्तान की बुराई करते करते और आर्मी की बुराई करते हुए फेल हो गया, क्या पांच भी राइफल गैप हो जाती है? आलोक जी असेंबलिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग, बोल रहा हूँ नहीं। आलोक जी आप बताइए जो राइफलें कहाँ बनती हैं अपने यहाँ, आपने अभी आलोक जी वो चल नहीं पा रहा है, आलोक जी आपने कहा टैंक भी बनता है हमारे यहाँ, राइफल भी बनती है, कहाँ बनती है बता दीजिए।
जितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं आप मैं बताता हूँ आलोक जी को, आलोक जी को पता नहीं है, नहीं बनता था। आलोक जी आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, कानपुर की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसके अंदर क्या क्या बनता है जाकर आपको मैं बता, आलोक जी और पांच छह आलोक जी मैं बताता हूँ क्या, आलोक जी को मैं बताता हूँ जी। बख्शी साहब बताइए, हिंदुस्तान की बात जब मैं कर रहा हूँ कि डिफेंस की, जब मैंने कहा एक राइफल नहीं बनती जो 7.623 वो पे आउट हो गई है, उसके बाद इंसास राइफल लाई गई, हर पांचवीं राइफल सियाचिन में जैम हो जाती है, ये आप आर्मी चीफ से पूछ लीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर आप बताइए कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट बनाते हैं आप, एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते? आपको फॉरेन कोलैबोरेशन बड़ी पसंद है, जब कांग्रेस फॉरेन पैसा घर में आता है, आई थी जब आप बीजेपी कहती थी कि हमारा डिफेंस विदेशों के हाथ में गिर हो जाएगा, आज आप उस पर अपनी कोई पा रहे हैं, इंश्योरेंस बिल और धान कितने इकोनॉमिक बिल थे, सभी के ऊपर आप कहते थे कि कांग्रेस की नीतियां गलत है, आपने सभी को बढ़ाया। देखिए सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, इन प्रवक्ता को बता दीजिए, मैं मानता हूं कि बड़ा कड़वा है ये सुनना, पर बात तो सच है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, अभी शुरू कर दीजिए। और अभी और अब जो मोदी साहब कर रहे हैं वो आज से 60 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। हिंदुस्तान की सरकार की नीति थी, जब उनको बोला गया कि चाइना तगड़ा हो रहा है आप अपनी फौज लाइए, तो नेहरू जी ने कहा था हमें पुलिस से काम चला लेंगे, फौज की जरूरत नहीं है। ऐसी सोच को लेकर 62 में आपको हार खानी पड़ी, क्योंकि आपकी नेहरू साहब की नीति गलत थी। ये तो 71 में इंदिरा गांधी की बात मानते हैं, उन्होंने देश की लाज बचाई और तब कहीं जाके बात आई, उसमें कोई बात नहीं है। कांग्रेस की थी, बहुत महान नेता थी, पर कहां है ऐसी नेता? अब मोदी साहब आए हैं, आपको उनका साथ देना पड़ेगा। आलोक जी जवाब देना चाहेंगे? सच्चाई कड़वी है, कोई बात नहीं। केंद्र सरकार में बार बार कह रहा हूं, जो भी देश हित में कदम उठाएगी, सेना के हितों में कदम उठाएगी, विदेश नीति के लिए पॉजिटिव कदम उठेंगे कांग्रेस। तो क्या आलोक जी क्या लगता है कि अभी एक साल पूरे हो गए हैं, एक भी कदम जो है सरकार का वो देश के हित में या सेना के हित में नहीं उठाया गया? मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं, बख्शी साहब का गला बैठ गया बोलते बोलते, मैं उनसे भी प्रश्न करना चाहता हूं। आपका एक बजट चला गया है, मेरा गला नहीं बैठता, 10 महीने का बजट आप ऑलरेडी प्रस्तुत कर चुके हैं, आप मुझे बताइए कि आपके एफडीआई के क्षेत्र में कौन सी टेक्नोलॉजी डिफेंस के लिए आई है, जरा उसका उल्लेख करके बताइए, कौन सा इंजन जो है उसकी टेक्नोलॉजी यहां पर आ गई है। इसराइल के साथ सर्विलेंस इक्विपमेंट्स हम पहले से लेते आए हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट की तमाम चीजें हम लेते आए हैं, हमने जिस तरह के सर्विलेंस सिस्टम अपने सैटेलाइट में भी सेटल किए हैं वो भी इसराइल से लिए हैं, लेकिन इन चीजों का शोर नहीं मचाया जाता है, इनके लिए बड़पोलापन की आवश्यकता नहीं होती है। आप मुझे बताइए कौन से एफडीआई डिफेंस में आने के बाद कौन सा इक्विपमेंट बनना शुरू हुआ है पिछले एक साल में, क्या कोई एक ईंट भी रखी गई है? लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आप शांति से आगे बढ़िए, विदेश नीति बात संभालिए, आप केवल यहाँ पर बर्मा के अंदर आप अटैक म्यांमार के अंदर अटैक करके अपनी पीठ थप रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पड़ोसी देशों में गलत मैसेज जाता है। आलू जी, प्रफुल जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, परिपक्वता के साथ चलनी चाहिए जी। प्रफुल जी देखिए, मैं आलोक जी की बात से सहमत हूँ कि एफडीआई कौन सी लाई, एक साल में एफडीआई रूप नहीं देती साहब, जो एक बच्चा भी पैदा होता है वो 9 महीने पहले कंसीव होता है, इतनी जल्दी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, जो अब स्टार्ट होगी उसको 5 से 6 साल लगेंगे रंग दिखाने के लिए। ये राइफल्स ये कोई पंसेरे की दुकान नहीं है कि आपने दाल उबालने रख दी और बन गई, ये ऐसा नहीं हो सकता। जब राइफल अभी टैंक बनेंगे, एयरक्राफ्ट बनेंगे, आपने इंजन की टेक्नोलॉजी और ऑलरेडी आ गई है, आपकी एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी बन रही है, और टेक्नोलॉजी लाने में 2 या 3 साल लगते हैं लगातार, अगर आप ईमानदारी से काम करें तो। अभी आप शांति रखिए, आपकी बात से मुझे मत है कि एग्रीमेंट तो बता दीजिए जो ला रहे हैं साथ आएगी, डिफेंस का कोई एग्रीमेंट हुआ है कि जिसके आधार पर अगले 5 साल में हमें उम्मीद लग जाए कि बच्चा पैदा हो जाएगा? आप 9 महीने की तो बात कर रहे हैं। बख्शी साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, विदेश नीति के ऊपर, डिफेंस के ऊपर मैं समझता हूँ, मैं भी आपके बयानों की बजाय शांति से आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, ये बात तो सही है आलोक साहब, टेक्नोलॉजी एफडीआई हमारे देश में आए, टेक्नोलॉजी नहीं आए, और इसीलिए अगर इसराइल जैसे देशों का साथ दौरा कर रहे हैं कि एफडीआई के ऊपर ये लोग शोर मचाते थे, कोई न्यूक्लियर बिल था जिसके ऊपर सरकार गिराने तक की नौबत आ गई, आप उसी बिल पर 1-2-3 एग्रीमेंट जो यूएसए के साथ हुआ उस पर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आप यू टर्न लिया, ठीक है, आपने देश को किसी भी तरह से जुमलों में फंसाकर सत्ता ले ली है,
लेकिन अब देश आपके हाथ में है। आज आप बीजेपी की सरकार में नहीं है, केंद्र की सरकार है, हमारे देश की सरकार है। जो भी बयान देते हैं, आज आज डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया कि फौज की सेना की अहमियत कम हो गई है क्योंकि 40 वर्षों से लड़ाई नहीं हुई है। आप जिम्मेदार बनिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए दिनेश जो ये प्रफुल्ल साहब, दिनेश जी हमारे साथ बीजेपी के नेता बैठे हैं, इस पे उनसे भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। जी दिनेश जी बताएं। मैं इनका जवाब दे दूं पहले? हाँ बिल्कुल, पहले आप जवाब दीजिए। ठीक है दिनेश जी, पहले जवाब सुन लेते हैं उनका। जी बताइए प्रफुल्ल जी। देखिए ये एफडीआई की जो बात कर रहे हैं, एफडीआई को लगाने में जैसे मिराज की टेक्नोलॉजी अब जब बनना शुरू होगा, या जो रफाइल जो आ रहा है उसकी टेक्नोलॉजी की और भी बात हो गई है, और राइफल्स की जो बात चल रही थी ऑलरेडी 3 या 4 साल के बाद में वो एस्टैब्लिश हो जाएगी, पर इतना टाइम लगता है, ये एकदम से नहीं हो जाता। मैं बड़बोलापन की बात मैं कुछ नहीं कह रहा, बड़बोलापन नहीं होना चाहिए, पर अपनी गलती छुपाने के लिए ज्यादा शर्म भी नहीं करनी चाहिए, बात मान लेनी चाहिए कि 65 साल से हम गलती करते आए हैं, अब कोई ठीक काम कर रहा है उसको हम करने देंगे। और दूसरी बात म्यांमार की बात आई जो अभी हमारे रक्षा मंत्री ने बोली है, रक्षा मंत्री ने ये बात बोली है, उन्होंने शायद ठीक नहीं बोला, उनके लफ्ज गलत थे। अगर आपकी फौज आज 1 महीने के लिए हटा दी जाए तो जम्मू और कश्मीर और सहारनपुर तक चाइना आके बैठ जाएगा और अरुणाचल हट जाएगा और जीएनके चला जाएगा। आपकी फौज को लड़ाई में जाने की जरूरत नहीं है, फौज का होना ही काफी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फाइटर का आकाश में होना ही बिल्कुल सही कहा आपने। आप भी सहमत हैं दिनेश दुबे जी? आप नींद नहीं आएगी। बिल्कुल प्रफुल्ल जी सही कहा है आपने, हम सहमत हैं आपकी बात से। दिनेश दुबे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो जवाब देंगे इसका। जी दिनेश जी बताएं, रक्षा मंत्री के इस बयान पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और रक्षा मंत्री पर्रिकर जी रक्षा मंत्री बने हैं, तब से सेना के नौजवानों का लगातार पाकिस्तान पे आक्रमण हो रहा है, लगातार गोलियां बरसाई जा रही है, लगातार गोले बरसाए जा रहे हैं। गोलियां बरसाना कोई अच्छी बात नहीं होती है दिनेश जी, गोलियां बरसानी कोई अच्छी बात नहीं होती है। बड़बोलापन है जो कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगा रहा है। वहीं इसी कड़ी में मोदी के इजराइल दौरे और सऊदी अरब के दौरे पर एनसीपी सांसद डीपी त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी लगातार मुस्लिम नेताओं के बीच और मुस्लिम देशों के बीच अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ डीपी त्रिपाठी हैं। त्रिपाठी साहब, जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्या लगता है आपको उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए जब नई सरकार आई श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो पिछले वर्ष उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में मध्य पूर्व के देशों का, पश्चिम एशिया के देशों का जिक्र ही नहीं किया था, जिस पर हम लोगों ने उसकी आलोचना की थी। अब अगर मध्य पूर्व में वो जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं और मुस्लिम कंट्रीज में जा रहे हैं, देशों में जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे 70 लाख हिंदुस्तानी पश्चिम एशिया के तमाम देशों में काम करते हैं और 30 बिलियन डॉलर से ज़्यादा ये जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी है वो उनकी वजह से कामयाब होती है हमारे देश में, इसलिए हम लोगों के लिए ये क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा से उसे और बल मिलेगा और ये सही कदम है। आलोक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, अगर देखा जाए तो एक दुर्भाग्य माना जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित और निरपेक्ष और पूरी जानकारी होने के बावजूद भी हमारे नेता आदतन हर चीज का विरोध करते हैं, आखिरकार ये प्रणाली कब बदलेगी हमारे देश में? देखिए ये प्रणाली जिस समय तक बीजेपी विपक्ष में थी तब तक चलती थी कि विरोध के लिए विरोध कीजिए, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती है। तो यानी कि जो बीजेपी ने शुरू किया आप डिफेंस उसको के आगे मामले ले जा रहे हैं? नहीं, हम कहां ले जा रहे हैं, मैं तो मना कर रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे मैम। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि आप ट्विटर का खेल खेलेंगे विदेश नीति पर, अगर मंत्री आकर ट्वीट करेंगे ऊटपटांग, उसे कहीं ना कहीं विदेश नीति को धक्का लगेगा। हम केवल मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप जिस तरह से बर्मा के ऊपर हुआ, म्यांमार के बॉर्डर पर हुआ, आर्मी कमांडर ने आकर जब स्टेटमेंट दे दी थी तो बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं को बड़बोलापन का जो परिचय था वो नहीं देना चाहिए था। अभी पाकिस्तान के साथ एक दिन वोट का एक इंसिडेंस हुआ था, आज से लगभग 5-6 महीने पहले, आप शायद भूल गए मीडिया वाले लोग, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने क्या कहा, एक वोट आई 26/11 रोक दिया हमने। अरे भाई, उसका 6 महीने से आपने पाकिस्तान एम्बेसी को डोजियर तक प्रस्तुत नहीं किया कि कौन
खान आतंकवादी था उसमें, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे कहीं ना कहीं विदेश नीति को धक्का पहुंचता है। बहुत अच्छी बात है प्रधानमंत्री महोदय इजराइल जा रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन के साथ और गोलन हाइट्स के ऊपर जो तमाम पड़ोसी देश हैं उनके जिस तरह के संबंध होंगे हमारे, उनमें जो बदलाव आएगा उसके ऊपर भी ध्यान रखने के लिए कांग्रेस पार्टी मात्र आपको आगाह कर रही है। जी बिल्कुल, तो अब वक्त की कमी है और मैं सभी से लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी, शुरुआत में दिनेश जी से करना चाहूंगी। दिनेश जी, एक तरफ नरेंद्र मोदी भारत की छवि उभारने में, उसे बदलाव करने में जुटे हुए हैं, वहीं देश के अंदर जब हमारे देश के राजनेता इस तरह के वक्तव्य देखते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीजों को चोट पहुंचती है। देखिए, जो भारत का मान सम्मान विश्व में बड़ा है और भारत देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के आज इजराइल में बुलावा है, इजराइल जा रहे हैं, उससे जो दूसरे लोग हैं इनको जलन हो रही है, ये नहीं सोच रहे हैं कि भारत का कैसे विकास हो, भारत में कैसे टेक्नोलॉजी आए, भारत में कैसे रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक हथियार बने, अपने आप के अत्याधुनिक हथियार का उत्पादन हो। दिनेश जी, बहुत शॉर्ट में चाहते हैं, कांग्रेस वालों ने देश को कमजोर कर दिया, खोखला कर दिया। ठीक है दिनेश जी, सुन लिए हम आपको। प्रफुल्ल बख्शी साहब से आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे, प्रफुल्ल साहब आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि इस संबंध, जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे कि इस यात्रा से संबंध सुधरेंगे, लेकिन क्या जो आसपास के जो मुस्लिम कंट्री हैं उसके साथ जो हमारे संबंध है, हमारे देश के जो संबंध है, उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इससे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज ने देख लिया है कि मोदी साहब किस तरीके से काम करते हैं और वो किसी तरह कहीं भी झुकाव नहीं है, कोई धर्म नीति नहीं अपनाते, कोई कास्ट नीति नहीं अपनाते, वो स्ट्रेट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो सबका हित देख के चल रहे हैं। और उनको पता है, उन्होंने जब कहा है कि हमें एशियन कंट्रीज को साथ लेके चलना है, तो एक किस्म से एशियन यूनियन की स्थापना करने की बात कर रहे हैं, और सारी की सारी कंट्रीज आप देखेंगे इसमें आएंगी। और हिंदुस्तान में जितने इस्लामिक लोग हैं, सबसे दुनिया के सबसे ज्यादा है, हम दो पाकिस्तान और बना सकते हैं, ये सब दुनिया को पता है। और उनको पता है कि जब हिंदुस्तान बात करता है तो अपने इस्लामिक और मुसलमानों को साथ लेके बात करता है, तो ये बातें सब गलत हैं और इस बात को तूल नहीं देनी चाहिए। आलोक जी, आप कैसे देखते हैं मुस्लिम देशों का ये दौरा नरेंद्र मोदी का? देखिए, मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेश नीति के एंगल से अगर हम देखें तो उनका विदेश का दौरा सफल होना चाहिए, हम ऐसी कामना करते हैं। लेकिन जिस तरह का हमारा गल्फ कंट्रीज के साथ संबंध रहा है तेल के मामले में, और खासतौर पर जब से आईएसआईएस का वहां पर दबदबा बढ़ा है, तमाम चीजें खासतौर पर सद्दाम जी के शासन खत्म होने के बाद से वहां की वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, रीजनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, वो बदली है। मैं उम्मीद करता हूं देश के प्रधानमंत्री इन तमाम चीजों का ध्यान रखें। जी मुकेश जी, आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये देखा जाए कि नरेंद्र मोदी अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी मुस्लिम विरोधी है, तो क्या उस छवि को बदलने में ये यात्रा सार्थक साबित होगी? बिल्कुल सार्थक साबित होगी, और मुझे नहीं लगता, जैसा कि बख्शी साहब बता रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से। ये जिन देशों का हम जिक्र कर रहे हैं कि इसराइल जाने से उनके संबंधों पर असर पड़ेगा, उनकी तरफ से चूंकि ये संबंध हमारे पहले से हैं, और जो आसपास के जो मुस्लिम कंट्री उनसे भी हमारे व्यापारिक संबंध है, और वहाँ के राजनेता हमारे यहाँ आते हैं और हमारे राजनेता भी वहाँ जाते हैं। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री पहली बार इसराइल जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो है विदेश मंत्री स्तर के दौरे जो है हो चुके हैं, और लालकृष्ण आडवाणी जब उप प्रधानमंत्री थे उस समय भी वो वहाँ पर गए थे, गृह मंत्री थे उस समय वहाँ पर गए थे। तो उस दौरान से जो रिश्ते आ रहे हैं उसके बाद से जो व्यापारिक संबंध है वो तो लगातार हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं, इसका कहीं कि कभी किसी भी इस्लामिक कंट्री की ओर से कोई विरोध नहीं आया है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री यदि वहां पे जा रहे हैं और अपने रिश्ते प्रगाढ़ कर रहे हैं तो साथ में वो जो इस्लामिक कंट्री है उनके साथ भी हमारे रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे किसी भी दूसरे कंट्री को कोई फर्क पड़ेगा या वो उस लेवल पर जाकर के देखेंगे कि इसराइल जा रहे हैं तो हमारे साथ इनके संबंधों में कोई करवाहट या खटास आएगी। जी, तो यकीनन इसी के साथ हमने कार्यक्रम की समाप्ति भी करना चाहेंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि नरेंद्र मोदी अब उन देशों को टारगेट कर रहे हैं जिससे उन्हें लगता है कि उनसे मजबूत संबंध स्थापित करने से भारत को भी मजबूती आएगी। और इसी कड़ी में हम इसराइल की यात्रा को भी देख रहे हैं और देखते हैं कि जब इसराइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो वहां से क्या कुछ लाएंगे भारत के लिए। और इसी के साथ हम अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े आलोक शर्मा जी, इसी के अलावा दिनेश दुबे जी बीजेपी प्रवक्ता, और प्रफुल्ल बख्शी जी डिफेंस एक्सपर्ट, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं शुक्रिया करना चाहूंगी मुकेश कुमार जी का भी, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। छोड़े जाते हैं आपको पब्लिक पंच के साथ। बात उन दिनों की है जब आलिया भट्ट को कंप्यूटर टीचर पढ़ा रही थी। टीचर ने पूछा, आलिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? जवाब में आलिया ने कहा, मुझे लगता है कि ये सब एक्सेल का नया ब्रांड है मैम, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर की सफाई के लिए किया जाता है। दांत के दर्द से परेशान केजरीवाल डॉक्टर को दिखाने उनकी क्लिनिक पहुंचे। केजरीवाल डॉक्टर से बोले, डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मेरे दांत में कीड़ा है। केजरीवाल की बात सुनकर डॉक्टर ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा और कहा, बीमारी तो आपको सही पकड़ी है, बस जगह गलत बता रहे हो।